तर मी मात्र या स्पर्धेपासून आणि आजच्या दिवसामधून रजा घेतो. उद्याच्या दिवशी जरूर भेटूया आणि मी मात्र मायक्रोफोन सोपवतो. हरिजी पंड्या सरांचा आवाज, व्हॉइस ऑफ इंडिया, हरिजी पंड्या सरांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. पंतनगर बॉयज घाटकोपर द्वारा आयोजित पंतनगर चषक और ये जो मुकाबला है सेमीफाइनल का आखिरी मुकाबला है, चार ओवर का रहेगा. और हम आभारी हमारे स्पॉन्सर्स ग्रेस ऑफ फैशन, प्रोटेक, लॉजिस्टिक्स, जेन स्पोर्ट्स, मिसफिट्स क्लोथिंग और ब्लैक एंड व्हाइट स्पोर्ट्स. पंतनगर चषक का पहला इनाम है 1,50,000 रुपये और ट्रॉफी. दूसरा इनाम 1,00,000 रुपये और ट्रॉफी. बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर के लिए 2,000 रुपये और ट्रॉफी. मैन ऑफ द सीरीज के लिए 3,000 रुपये और ट्रॉफी. खिलाड़ियों के लिए टी शर्ट्स के स्पॉन्सर है हमारे ब्लैक एंड व्हाइट स्पोर्ट्स. मैन ऑफ द मैच के टी शर्ट के स्पॉन्सर है मिसफिट्स क्लोथिंग. बैट के स्पॉन्सर है शिरके स्पोर्ट्स, स्वप्निल शिरके. ये मुकाबला चार ओवर का रहेगा. पहला ओवर पावर प्ले रहेगा जिसमें दो प्लेयर बाहर रहेंगे. कंपल्सरी चेज है. चार गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे. सबसे पहले तो अमन इलेवन विरार को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि ये जगह बनाई. विक्रोलियंस अभी अभी तो 48 रन उन्होंने चेस किए थे और वो 47 में सिमट गए. चार ओवर में 40 रन. ये मैदान सिंगल और डबल्स का मैदान है और वही विक्रोलियंस आसमान की ऊंचाइयों को छूने गए और एक के बाद एक बेशकीमती कैच. सबसे पहला कैच तो मंगेश का जो प्रतीक ने लिया वो लाजवाब था और उसके बाद जो भी कैचेस हुए एक से बढ़कर एक नायाब. और अच्छी फील्डिंग की बदौलत, अच्छे टीम स्पिरिट की बदौलत ये मुकाबला जीता अमन इलेवन विरार ने. और सेमीफाइनल में जगह बनाई जहां उनका मुकाबला होगा ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज काड़ा चौकी से. दो ओपनिंग बैट्समैन वहां पर जा रहे हैं, प्रतीक और आकाश. सभी से प्रार्थना है मैदान के बाहर आ जाए प्लीज. सभी लोग बाहर आ जाए. ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है और इस मुकाबले में ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज में शामिल हो चुके हैं भरत लोहा और लेजेंड प्लेयर. पिछले 25 से भी ज्यादा सालों से जो रेगुलर खेलने वाला ऐसा महान लेजेंड खिलाड़ी. इंडोर क्रिकेट, आउटडोर क्रिकेट, अंडर आर्म क्रिकेट, ओवर आर्म क्रिकेट, हर प्रकार का क्रिकेट खेलने में माहिर भरत लोहार. और उनकी कैप्टनशिप आपने देखी होगी 10 PL में जब 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे हनान कतार के सामने. और क्या कैप्टनशिप स्किल्स वहां पर भरत के देखे हमने. और सुल्तान खान ने जो रन आउट किया अमर हो गया वो टूर्नामेंट. ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग ये टीम को रिप्रेजेंट किया था. प्रदीप बड़े ये भी एक बहुत ही युवा कैप्टन है, फाइटर. अभिषेक माने रफ्तार का सौदागर. बहुत अच्छी बैलेंस साइड है इस वक्त ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज की. लेकिन दूसरी ओर अब यहां पर देख रहे हैं आप जो ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं. और पहला ओवर जो है आकाश पांडा नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और स्ट्राइक पर है प्रतीक पाटिल. प्रतीक पाटिल ने जो कैच लिया मंगेश वैदी का लाजवाब. और अब बॉलिंग पहले ओवर को करने की जिम्मेदारी इस वक्त दोनों मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी आमने सामने हैं. पहला ओवर करेंगे प्रिंस, प्रिंस ऑफ बॉलिंग अगेंस्ट द प्रिंस ऑफ बैटिंग.
और मैं जॉफ बॉयकॉट को हमेशा याद रखूंगा जिन्होंने सौरव गांगुली को एक नाम दिया प्रिंस ऑफ कोलकाता, और सौरव गांगुली ने वो प्रिंस के नाम को सार्थक किया। जब आपको कुछ नाम दिए जाते हैं वो नाम अमर हो जाते हैं। चार ओवर का मुकाबला और ये तय करेगा आज की शाम कम से कम एक इनाम, ये मैच की कीमत कम से कम 1,00,000 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपया है, क्योंकि जो इसको जीतेगा अमिताभ बच्चन जी जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं कि आप अब यहां से इतना लेकर ही जाओगे, तो आज शाम को यह तय हो जाएगा। खिलाड़ियों को माला माल और लखपति बनाने वाला टूर्नामेंट, बारिश के मौसम का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कहूंगा जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रशांत मार्कू, राकेश गुप्ता, राकेश चाचा, विजय तळेकर, समर परचा, अमित पाटिल, संतोष सिंह और विशाल चौरसिया। तो इस बार 2 रन से शुरुआत करते हुए प्रतीक, मैच दर मैच बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की और उनके साथ आकाश पांडा, और बॉलिंग करते हुए प्रिंस। इस बार बैकफुट पर जाकर गलत टाइमिंग और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक आसान कैच अमन इलेवन विरार को लगने वाला बड़ा झटका। मुश्किल होता है कल्पेश माहुलकर ने अच्छे बॉडी बैलेंस के बदौलत आखिरी समय तक गेंद के ऊपर नजर रखी और कैच लेते ही खुशी का इजहार किया। पहला विकेट, बड़ा विकेट, तगड़ा विकेट, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन है मैकमिलन, एक युवा खिलाड़ी, सामना करेंगे प्रिंस का। दोस्तों कल भी हमारा शेड्यूल समय पर शुरू होगा, कल 4 इंटरघाटकों पर की टीमें और 4 ओपन टीमें आप देखेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर गई, शम्मी कपूर की एक फिल्म आई थी तीसरी मंजिल, ये गेंद को देखकर ऐसा लगा कि अगली फिल्म आएगी पहली मंजिल, इतनी ऊपर चली गई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। इस बार मैकमिलन बल्ला घुमाना चाहते थे, बॉल दायरे के बाहर, वाइड बॉल अंपायर करुणाकर कोटियन द्वारा जो बॉलर एंड पर खड़े हैं। स्कोर हो चला है 5, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 रन बनाकर आउट हुए थे वहां पर प्रतीक घरत, 2 गेंदों में 2 रन। कल्पेश माहुलकर ने लिया कैच, मैकमिलन का एक अलग अंदाज है जिसको हम कैमरे में कैद कर रहे हैं। और इस बार अक्रॉस द लाइन फिर से वाइड बॉल, प्रिंस अचानक ही लेन से भटकते हुए, भरत लोहार गेंद को रोकने में कामयाब रहे। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर। अब देखिए मैकमिलन के बल्ले की तरफ नजर कीजिए, वो क्या करते हैं आप देखिए, कुछ अलग चीज, कुछ हटके। देखिए बल्ला कैसे वो घुमा रहे हैं,
इस बार गेंद उनके बल्ले के नीचे से चली गई, समझ नहीं पाए। युवा खिलाड़ी है, अनुभव की कमी है लेकिन उत्साह है, जज्बा है। 6 रन एक विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर का मुकाबला है और मैकमिलन एक और लाजवाब गेंद। और मैकमिलन के साथ ये जो नाम है इसके साथ कई चीजें हैं, जैसे क्रेग मैकमिलन न्यूजीलैंड के थे तो उनका बल्ले की जो जड़ होती थी वो स्ट्रेट रखते थे, बिल्कुल स्ट्रेट उसको रंदा मार के स्ट्रेट बैट से खेलने वाले, नीचे से कर्व नहीं रहता था, ये क्रेग मिलन की खासियत थी। अब ये जो भाइंदर के मैकमिलन है ये बल्ले को उल्टा घुमाते हैं। और एक थे दक्षिण अफ्रीका के ब्रायन मैकमिलन, उनके हाथ के पंजे इतने बड़े हुआ करते थे कि उनको नाम दिया गया था बकेट। तो ये 3 मैकमिलन की यादें आज ताजा हो गई, तीनों का अलग अंदाज। प्रिंस का पहला ओवर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, रोशनी कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल पंतनगर चषक का, ओपन क्रिकेट का, जिसमें खेल रही है ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज काला चौकी और अमन 11 विरार। इस बार ओवर को खत्म किया प्रिंस ने, पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन बने हैं और 6 गेंदों में 6 रन, और उसमें भी प्रतीक जैसे बड़े बैट्समैन का विकेट, ये हाईलाइट रहा। और ये पावर प्ले का ओवर था और दुख की बात यह है कि पावर प्ले के ओवर में कोई चौका या छक्का लग नहीं पाया। 1 ओवर 6 रन, 6 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। एक और सोनम मुझे बता रही है यहां पर कि वाइड के 4 रन आने के बाद 4 लगातार डॉट बॉल डाली वहां पर प्रिंस ने। देखिए प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, और राजकुमार मूडी होते हैं जैसे आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा। तो प्रिंस का ओवर समाप्त और नए ओवर को लेकर अब केतन भोईर, जिनका जन्मदिन है और उनका हेयर स्टाइल बहुत अलग है, हटके है, घाटकोपर का सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल इस वक्त प्रणय 11 के गणेश का है, तुलसीदास चौगले यांचे बंधु। कल एक ऐसा समय आ गया था बैट्समैन और बॉलर दोनों का हेयर स्टाइल ये चर्चा में था, और अब यहां पर आप देखिए भोईर स्वयं एक बहुत ही अलग हेयर स्टाइल, बालों को सहलाते हुए आफरीदी की तरह हेड एंड शोल्डर करके आए हैं। इस बार बल्ला पहले घुमा आकाश पांडा को, वो आजादी नहीं मिली, शायद गेंद की रफ्तार ने उनको बीट किया और बाई के रूप में आता हुआ रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 एक विकेट के नुकसान पर। अमन 11 विरार को 4 ओवर के मुकाबले में कम से कम 30 रन चाहिए। उनके पास एक एडवांटेज ये भी है कि वो ज्यादा बेहतर रोशनी में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अगले 15-20 मिनट बाद रोशनी और कम हो जाएगी, तो वो जो एडवांटेज उनके पास है, वो जो मौका है, उसको भुलाना होगा। 7 रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर। इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, अंपायर अनिल आवड़े गांवकर द्वारा। पांच वाइड और एक बाय, यानी कि 6 रन एक्स्ट्रा है 8 में। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है लेकिन एक से ज्यादा मिल नहीं पाएंगे। इस वक्त रनों की जो तादाद है वो कम है, रनों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, केतन भोईर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अब तक अपने इस स्पेल में। इस बार उठा दिया है और बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, सड़क पर लगने वाला कड़क शॉट, सड़क पर कड़क देखकर जिया गया धड़क।
बिल्कुल वो उड़न खटोला की तरह बॉल बाहर गई थी। इस बार एक और उड़न खटोला, लेकिन देखना होगा उड़न खटोला, देखकर मेरा दिल डोला और बोला सुपर सिक्स। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने जो म्यूजिक दिया है, माइंड ब्लोइंग। 21 रन इस बार बैठक शॉट थी, लेकिन बैठक बराबर नहीं रही क्योंकि वो इंग्लिश बैठक थी। अगर इंडियन बैठक होती तो कर पाते बराबर से उस रन को, लेकिन दो रन जरूर मिले हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा है, 23 एट द एंड ऑफ टू ओवर्स। बर्थडे बॉय ने अपने ओवर में 17 रन दिए। केतन भोयर ने अपने इस ओवर में रन इस तरह खर्च किए मानो अपने जन्मदिन पर दोस्तों के ऊपर पार्टी पे जैसे खर्चा कर रहे हैं। और अब नया ओवर लेकर आ रहे अभिषेक माने, जिसका लोहा पूरी दुनिया माने वो है अभिषेक माने। और विकेट के पीछे है 100 सोनार की और एक भरत लोहार की। तो यहां पर अब स्ट्राइक पर है मैकमिलन। मैकमिलन के लिए इस वक्त सवाल यह है कि गेंद और बल्ले का मिलन होगा कि नहीं, और मिलन होगा तो वो मनोमिलन होगा, मैकमिलन होगा। इसका इंतजार जनता को, अभिषेक एंड मैकमिलन दो युवा खिलाड़ी। गुडलैंड स्पॉट से आती हुई गेंद, भरत लोहार ने स्टंप्स बिखेरने का प्रयास किया और ये देखिए वहां पर रन तो हो ही गया। कैप्टन प्रदीप बड़े वहां पर गेंद को उठाते हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर एक, तीसरा ओवर चल रहा है। आकाश पांडा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है क्योंकि प्रतीक जल्दी आउट हुए। आकाश के बल्ले से रन काफी समय से ड्यू थे और इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट मैच में बैटिंग। माने राउंड द विकेट आते हुए ऑफ स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बार, करुणाकर कोटियन बाहों को फैलाते हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर एक। 6 वाइड के रन आए, 2 बाई के रन आए हैं, ये महंगे पड़ सकते हैं क्योंकि ये 4 ओवर का मुकाबला है, बहुत कम मौका है मुकाबले में वापसी करने का। अभिषेक माने के ऊपर जिम्मेदारी है कि रनों की जो रफ्तार है उसको कम करें, स्पीड ब्रेकर बन गया है, रनों को रोके, क्या वो रोकथाम कर पाएंगे। अब ओवर द विकेट आते हुए इस बार गति को कम रखा था, इस बार भी वाइड, वाइड बॉल बहुत नुकसान कर सकते हैं। अभी अभी मैं फिल्म देखने गया था थिएटर में, तो थिएटर में राष्ट्रगीत के पहले एक एडवर्टाइज मैंने देखा, धूम्रपान न करे न करने दे, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। वाइड बॉल का भी ऐसा ही है, वाइड बॉल न करे न करने दे क्योंकि वाइड बॉल पड़ेगा महंगा। स्कोर हो गया 26 एक विकेट के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच बॉल और देखिए उड़न खटोला, देख के मेरा दिल बोला तू है शबनम मैं हूं शोला।
अभिषेक माने को लगाया गया वो गगनचुंबी छक्का। इस बार बैठक शॉट था लेकिन एक रन जरूर मिलेगा आकाश को, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं वहां पर, जरा सी लापरवाही और दूसरा रन दौड़कर पूरा किया आकाश ने। स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं आकाश, चौंतीस रन एक विकेट के नुकसान पर, 32 रनों की पार्टनरशिप, 32 रन्स पार्टनरशिप हियर। इस बार मिस टाइम किया और अभिषेक माने स्वयं अपने फॉलो थ्रू में से पीछे आ रहे थे, लेकिन पीछे आकर कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, वो हो जाता तो अलग बात थी, लेकिन एक रन और आकाश पांडा बच गए और पूरे विरार में जश्न का माहौल क्योंकि आकाश नॉट आउट है। स्कोर हो गया 35। इस ओवर में अब तक 12 रन आए हैं अभिषेक माने के खर्चीले ओवर में और मैकमिलन अब स्ट्राइक पर। अब मैकमिलन ने हवा में खेला है, कल्पेश माहुलकर गेंद के नीचे और माहुलकर का यह दूसरा कैच, क्या बढ़िया कैच लिया, पहले जीवित मात्रे को पानी में कैच लेते हुए देखा और अब कल्पेश माहुलकर को देखा। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, मैच स्टिल नॉट ओवर। अब आए हैं सोनू, सोनू सिंह और सोनू के सामने है आदित्य। खिलाड़ियों को दूर दराज तक फैला दिया गया है, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, शायद गेंद उनके पैर से लगी थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट गई माने के पास, माने इसके पहले उसे उठाते लेग बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर, आखिरी ओवर चल रहा है पंतनगर चषक का 2018 के दूसरे संस्करण का पहला सेमीफाइनल। खेलने वाली टीमें हैं अमन इलेवन विरार और ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज काला चौकी। इस बार बॉल नीची रही और वेल लेफ्ट करने के लिए कसूरवार साबित हुए आकाश पांडा। यही तो निर्णय बल्लेबाज को लेना होता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, और उन्होंने उस बॉल को जाने दिया अपने बगल से। 10 गेंदों में 24 पर खेल रहे हैं, 3 सिक्सर लगा चुके हैं। इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास था, गेंद थर्ड मैन की तरफ, एक रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 37 पर पहुंचा है दो खिलाड़ियों के नुकसान पर, यह परफेक्ट स्कोर है और वो 40 से 45 के बीच में पारी को समाप्त करना चाहेंगे। आकाश, आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली पारी,
आकाश की बल्लेबाजी को देखने के लिए आसमान झुक गया है, वक्त रुक गया है। क्या आकाश एक और चौका या छक्का जड़ सकते हैं? इस बार जाने दिया, गेंद के करीब आए और जाने दिया, मानो जैसे घाटकों पर स्टेशन पर आप खड़े हैं और डोंबिवली फास्ट लोकल जा रही है और आप चढ़ नहीं पाए क्योंकि गर्दी ज़्यादा थी। बिल्कुल वैसा सीन था। अलाउड इट टू गो 38 for 2। इस बार बल्ले के फेस को क्लोज करते हुए खेला है, क्लोज टू द बॉडी, मिड ऑन की तरफ, एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 for 2। आदित्य, बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं। माइकल क्लार्क देख लीजिए, रवि शास्त्री वैसे ही, आदित्य राइटी बैट्समैन लेफ्टी बॉलर, वेरी रेयर यू फाइंड सच क्रिकेटर्स। फुल टॉस बॉल, ताकत का प्रहार है, लेकिन देखना होगा मैदान के बाहर जा पाएगी अथवा नहीं। एक रन को पूरा किया, बहुत अच्छी फील्डिंग केतन द्वारा। गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ तो एक ऐसा साउंड आया, अगर रॉजर ड्रैगो उसको सुनते तो अपने साउंड टीम में शामिल कर लेते, बिल्कुल उस तरह का साउंड। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 for 2, आखिरी ओवर 40 for 2। इस बार भी विकेटों के सामने खेला है, आत्मविश्वास के साथ। आकाश पांडा दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, आउट होने का खतरा, और आदित्य वहां पर आउट होंगे। आकाश लेकिन नॉट आउट रहे, और ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज आखिरी ओवर में चाहे क्यों ना हो एक वापसी जरूर की है। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 41, आखिरी ओवर में केवल 6 रन आए और जो टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन तारीफ करूंगा यहां पर आकाश पांडा की, आकाश 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। व्हाट एन इनिंग्स, पावरफुल, स्किलफुल, सक्सेसफुल। पहले मैच में आकाश जल्दी आउट हुए थे मैकमिलन के साथ, लेकिन वो रनों का जो अकाल पड़ा हुआ था उसको पूरा किया। और अब ये जो मैच है, आखिरी चार ओवर का खेल बचा हुआ है, और आखिरी चार ओवर में क्या होगा इसकी तरफ नजरें होंगी। अगर ओम साई ऐसे ब्रह्मा बॉयज, आइए देखते हैं कितने एक्स्ट्रास दिए हैं। 8 wide, 1 leg by और 2 by, यानी कि 8 और 1 9 और 2 11। 41 में अगर 11 आप निकाल दे तो स्कोर हो जाता है 30, विच शुड बी अ स्कोर, पर यह हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बॉलिंग एनालिसिस आपके मॉनिटर पर, आपके मोबाइल पर, बहुत ही बढ़िया टेलीकास्ट tenniscricket.in द्वारा। तो इस वक्त पंतनगर बॉयज घाटकोपर द्वारा आयोजित पंतनगर चषक 2018 दूसरे एडिशन का आज की शाम का आखिरी चार ओवर का खेल बाकी है, और ये चार ओवर में बहुत कुछ हो सकता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन इतिहास लिखेगा, कौन इतिहास बदलेगा, कौन फाइनल में पहुंचेगा और कौन यहां से सीख कर अपने घर जाएगा, ये सारे सवाल एक गुलदस्ते में बंद है। और ये गुलदस्ते के अंदर का जो राज है वो खोलने के लिए मैं बड़े एहतराम के साथ आवाज़ लगाना चाहूँगा महाराष्ट्र के बुलंद आवाज़ घाटकोपर के सुपुत्र, और जिन्होंने इस साल 100 टूर्नामेंट पूरे करने का एक रिकॉर्ड कायम किया, ऐसे टूर्नामेंट सम्राट कमेंटेटर चंद्रकांत शेठे, धन्यवाद। धन्यवाद हरीश सर। पंतनगर चषक मध्ये आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं आज या दुसऱ्या दिवसामध्ये मी चंद्रकांत शेटे घाटकोपर हार्दिकचं स्वागत करतो, कारण आज दुसरा दिवस आणि शेवटचं सत्र, कारण अभिमान आहे या घाटकोपरचा सुपुत्र आहे त्याचा, कारण ही क्रीडा स्पर्धा जर पाहायचं झालं तर गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी पंतनगर बॉयजने अतिशय उत्साहात, थाटामाटात आणि भव्य दिव्य प्रमाणात, कारण रबर बॉलमध्ये अशा प्रकारचं भव्य दिव्य आयोजन क्वचितच पाहायला मिळतं, कारण टेनिस बॉलमध्ये अशा प्रकारचे आयोजन पाहायला मिळतात, परंतु रबर बॉलच्या क्रिकेटमध्ये ती भव्य दिव्यता आणण्याचं काम केलं गेलेलं आहे। मैदानाच्या आतमध्ये सेमीफायनल,
41 धावा केलेल्या आहेत, 42 धावांचं लक्ष्य एस ए ब्रह्मा. आता या दोन्ही टीमविषयी सांगतो. अमन इलेवन विरार ही टीम 6 वेळा सेमीफायनल हारलेली आहे, या हंगामात एकदाही फायनलला गेलेली नाही आहे. या वर्षीचा पावसाळी क्रिकेटचा हंगाम. आणि एस ए ब्रह्मा ही टीम 5 वेळा सेमीफायनल हारली आहे, पण अजून एकदाही फायनलला गेलेली नाही आहे. परंतु पंतनगरमध्येच कोणत्या तरी एका टीमचा तो रेकॉर्ड सेमीफायनल हारण्याचा या ठिकाणी थांबणार आहे. आणि या दोघांपैकी एक टीम या वर्षीच्या पावसाळी क्रिकेटच्या हंगामात पहिल्यांदा फायनलला जाणार आहे. तर कोणती टीम आहे ते मात्र आज या ठिकाणी पाहायचं आहे. जावेद मैदानाच्या आतमध्ये 41 धावांचं लक्ष समोर ठेवण्यात आलेलं आहे. संतोष सिंग आणि त्यांच्या बरोबरीने सागर रणपिसे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जाते. परंतु ज्या वैभव पवारने या अगोदरचा सामना आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर गाजवला, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हासिल केला, तोच वैभव पवार गोलंदाजी मार्गवर दाखल होतोय. 24 चेंडू आणि 42 धावा. काळा चौकी की विरार, विरार की काळा चौकी, पंतनगर घाटकोपर मधील स्पर्धा आपण पाहतोय. 1.5 लाखाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक, तर 1 लाखाचं द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक. घाटकोपरची पॉवर हाऊस क्रिकेटची आचार्यत्रे क्रीडांगण पंतनगर घाटकोपर मध्ये सुरू असणार ही क्रीडा स्पर्धा. पहिला चेंडू पिचिंग झाल्यानंतर काहीसं वळण घेणारा चेंडू आपल्याला या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळाला. तर एक धाव या ठिकाणी घेतली जाते. धावसंख्येचा श्रीगणेश केला जातोय. कोणती टीम फायनल मध्ये जाणार? या वर्षीचा पावसाळी क्रिकेटचा हंगाम जर पाहिला तर तब्बल विक्रांत केने प्रतिष्ठान अग्रक्रमांकावर आहेत, ज्यांनी सर्वात जास्त मोठमोठ्या स्पर्धा जिंकलेल्या आहेत, व्यावसायिक स्पर्धा जिंकलेल्या आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल पंतनगर बॉईज संघाचं, यांनी देखील चांगली कामगिरी केली आहे. या वर्षीचा पावसाळी क्रिकेट हंगाम जर पाहिला तर श्री इलेव्हन घाटकोपरने देखील चांगली कामगिरी केली आहे. पुजारी टायगर संघ देखील चांगली, म्हणजे घाटकोपरचे संघ आणि पावसाळी क्रिकेट हे पहिल्यापासून एक समीकरण राहिलं आहे आणि यावर्षी देखील कायम राहिलं आहे. गतवर्षी देखील पहा घाटकोपरचे संघ पुजारी टायगर श्री इलेव्हन आणि त्याचबरोबरीने पंतनगर बॉईजने कामगिरी चांगली केली आणि याही वर्षी श्री इलेव्हन आणि पंतनगर बॉईज या दोन्ही संघांनी चांगली कामगिरी केली या पावसाळी क्रिकेटच्या हंगामामध्ये. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, हीच गोलंदाजी. वारंवार मात्र खोलवर टप्प्याचे धारदार गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि चेंडू जर पाहिले तर किंचितसा हवेत देखील स्विंग होत खोलवर टप्प्याच्या दिशेने जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर हा अमन इलेवन नुकतीच पुण्यात देखील स्पर्धा झाली, त्याही ठिकाणी सेमीफायनलला पाहायला मिळाला होता. डिंगडॉंग संघाकडून पराभूत जरूर झाला होता, काळा चौकीच्या स्पर्धेत देखील दाखल झाले होते. तर हा अमन इलेवन फायनलमध्ये जाणार की दुसऱ्या बाजूला एस ए ब्रह्मा हा संघ अंतिम फेरीत जात होता. आज या ठिकाणी पाहायचं आहे पंतनगर चषकात. या ठिकाणी जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा फुटवर केलं जात आहे, परंतु चेंडूच्या रेषेत फलंदाज जात नाही आहे. तुम्हाला चेंडूच्या रेषेत जावा लागेल धावा बनवायच्या असेल तर. तर इतर ठिकाणी धावा करणं आणि पंतनगरमध्ये धावा करणं अवघड गोष्ट पंतनगरमध्ये आहे, सोपं नाही आहे या ठिकाणी धावा काढणं, कारण धावासाठी झगडावं लागतं असं हे पंतनगरचं मैदान आहे. बिग हिट केला जातोय, मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न सागर रणपिसे चर्चगेट ओव्हलचा हा फलंदाज. बॅटच्या पट्ट्यात आलेला हा चेंडू भिरकावून दिला जातोय सीमारेषा पार.
ज्या उमेशने देखील पहिल्या दोनही मॅचमध्ये टिचून मारा केला वैभव पवारच्या बरोबरीने, तर हा उमेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय पाहायचंय. विजेतेपदाच्या दिशेने अंतिम फेरीत जाऊन कोण कमीत कमी 1 लाखाचा पारितोषिकाचा हकदार तरी ठरतोय आजच्या दिवसामध्ये, ते ठरवणारा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पंतनगर चषक. संतोष सिंग साठी आडव्या बॅटने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या रेषेत न जाता जागेवरून चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु पिचिंग झाल्यानंतर काहीसा खाली राहणारा चेंडू. आणि पंतनगरच्या मैदानात एकच खंत होती, ती म्हणजे सिमेंट विकेट पाहिजे होती, आणि गेल्या वर्षीपासून ती सिमेंट विकेट देखील आली आणि पावसाळी क्रिकेट देखील आता आयोजन आपण पाहतोय. फुल टॉस, या फुल टॉसला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. क्षेत्ररक्षक कैवल्यचं कौतुक करावं लागेल, तिसरा ते चौथा झेल आहे आणि या अमन इलेव्हन संघाची खासियत म्हणजे त्यांनी पकडलेले झेल अतिशय सुंदर. क्षेत्ररक्षण त्यांच्या क्षेत्ररक्षकांनी केलेली अप्रतिम कामगिरी त्यांना मात्र इथपर्यंत घेऊन आलेली आहे. आणि या अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील तुम्ही पाहिलं तर मंगेश वैतीचा पहिल्या चेंडूवर अतिशय चांगला झेल पकडला गेला होता आणि त्यानंतर प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाने अचूक कामगिरी केली. आणि क्षेत्ररक्षण हा केव्हाही गोलंदाजासाठी टॉनिक ठरत असतं, गोलंदाजाचं मनोधैर्य वाढवणारं असतं आणि तेच मात्र या ठिकाणी वाढवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. विकेटचं पतन झालंय, गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा उमेश वाघ तर फलंदाजीसाठी सागर. येणाऱ्या काही कालावधीमध्ये आपल्याला कळेल आजच्या दिवसाचा मानकरी कोण आहे. आणखीन एक बोना फटका खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर होतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहेत, चांगली क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. चेंडूची फेक केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु चेंडूची फेक चुकीची आहे. केवळ तुम्हाला चांगलं क्षेत्ररक्षण करून चालणार नाही, तुम्हाला चेंडूची फेक देखील चांगली केली पाहिजे. आणि 4 धावा या ठिकाणी पंचांच्या माध्यमातून कळवत आहेत आणि धावसंख्या 4 पुढे जाते. आतापर्यंत कुठे क्षेत्ररक्षणामध्ये चांगली कामगिरी करणारा हा संघ, क्षेत्ररक्षणात थोडीशी चूक झाली आणि कोणत्याही चुकीला क्रिकेटमध्ये माफी नसते. धावसंख्या जर पाहिली गेली 4 पुढे जाते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 12 धावांवर. प्रतीक गरतने मात्र आज प्रभावित केलं, ज्या पद्धतीची त्याची फलंदाजी आहे, एक आगळा वेगळा स्टान्स पाहायला मिळाला, फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि क्रीडारसिक देखील मंत्रमुग्ध केले. आपल्या कळंब गावाचं नाव देखील आज तू घाटकोपर पंतनगरमध्ये झळकावलं. विजय तळेकर यांचं आगमन होत आहे. आणि सातेरी कॅटरस खऱ्या अर्थाने कोणतीही स्पर्धा असू दे या मैदानातील, कारण 40+ स्पर्धा जी नुकतीच झाली होती त्या 40+ स्पर्धा असू दे. आणि मी गेली 10 वर्ष घाटकोपरची एक आगळी वेगळी 40+ स्पर्धा होते, ते देखील त्यांच्याच माध्यमातून होते असे विजू तळेकर सर यांचं आगमन होतं. हार्दिक स्वागत असेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, परंतु अधिक वेगवान पद्धतीचा हा चेंडू होता. याही चेंडूवर धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. एका धावेने हा धावफलक पुढे जरूर निघतोय, परंतु सामन्यातील रंजकता वाढणार आहे. कोण जिंकणार, काळा चौकी एस ए ब्रह्मा की या ठिकाणी अमन इलेव्हन विरार? पुन्हा एकदा अतिशय वेगवान पद्धतीचा हा चेंडू पाहायला मिळतोय. या उमेश वाघने खऱ्या अर्थाने प्रभावित केलंय आपल्या अप्रतिम गोलंदाजच्या जोरावर. रियाज पटेलसाठी टाकला गेला निर्धाव चेंडू. 2 षटकं संपत आहेत आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 14 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. अजूनही विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे ती 28. 12 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता. कुणाला विजेतेपदाच्या दिशेने जाण्याचा मान मिळणार, कुणाला पुन्हा एकदा घरी जावे लागेल, कारण सेमीफायनल दोन्ही संघांसाठी या पावसाळी क्रिकेटच्या हंगामामध्ये अडसर ठरलाय आणि कोण हा अडसर पार करणार आज पंतनगर घाटकोपरमध्ये कळणार आहे. तर जबत मॅचच्या दिशेने 2 षटकं तर संपलेली आहे. 2 षटकांमध्ये पहिल्या पाहिलं तर 1 विकेट माघारी परतलाय. पारडं किंचितसं जड आहे, ते
विरारच्या अमन इलेवन संघाचं, परंतु दोन षटक अजूनही बाकी आहेत, 28 धावा करायच्या आहेत. क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी काय होईल याचा नेम नाही. पंतनगर घाटकोपरच्या मैदानात रंगलेलं क्रिकेटचं प्रचंड युद्ध, पंतनगर चषक 2018 मध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक असं स्वागत. अखू टप्प्याचा हा चेंडू, उसळता चेंडू, अकरा चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता. या षटकात जर एखाद दुसरा मोठा फटका आला तर सामन्याचं गणित बदलू शकतो, आणि त्या ती रिक्वायरमेंट कुणाला आहे तर एस ए ब्रह्मा संघाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी मार्को रोहित, प्रत्येक गोलंदाज मात्र अनुशासित गोलंदाजी आतापर्यंत आज तीनही मॅचमध्ये या संघाने केली आहे, परंतु एस ए ब्रह्मा आज इतिहास घडवतायत का? हा चेंडू समोरच्या दिशेने टोलावण्याचा प्रयत्न होतोय, जमीन लगतचा हा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जातोय, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एकच धाव मिळेल, धावसंख्या एक ने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 16 धावांवर. रियाज पटेल, ज्या रियाज पटेलला आपण डिंग डॉंग पुणे, डीके पुणे या बलाढ्य संघांमधून सातत्याने खेळताना पाहिलंय, फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. महाराष्ट्रातील एक धडाकेबाज फलंदाज. हो, पिचिंग झाली, तदनंतर चेंडूने शरीराचा वेध घेतला. अमन इलेवन विरार ऑन फायर, रोहितला मिळतं यश, आणखीन एका विकेटचं पतन. समीकरण बदलतंय या षटकाराच्या निशी, धावसंख्या जर पाहिली तर 24 वर जाते आहे, अजूनही 18 धावांची आवश्यकता आणि चेंडू आहेत ते 7. रवी विश्वकर्माने मात्र एक अफलातून फटका या ठिकाणी खेळला. अतिशय वेगवान पद्धतीने चेंडू येताना पाहायला मिळतोय, एक धाव पूर्ण केली जाते, अतिशय वेगवान पद्धतीने गोलंदाजी या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. लेग बायच्या स्वरूपातील धाव या ठिकाणी कळवली जाते. धावसंख्या एक ने पुढे जाईल, 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. पाहूया रवी आणि सागर, दोघेही धडाकेबाज फलंदाज, दोन युवा खेळाडू आहेत ते, मात्र या ठिकाणी आपल्या संघासाठी कशी कामगिरी करतायत पाहायचंय. तर दुसऱ्या बाजूला जर पाहायचं झालं तर अमन इलेवन विरार, आजचा दिवस त्यांनी गाजवलाय. कुणाच्या हातात गोलंदाजी सोपवली जाते पाहायचंय.
तर सबत मॅचच्या दिशेने शेवटचं षटक अंतिम फेरीत कोण जाणार हे ठरवणारं षटक मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे. पंतनगर बॉईज घाटकोपर आयोजित पंतनगर चषकाचा आज या क्रीडा स्पर्धेचा दुसरा दिवस. व्यावसायिक गटातील आज आठही संघ पाहायला मिळाले आणि त्यातून अंतिम फेरीत जाण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये झुंज सुरू आहे, लढत सुरू आहे. विरार आणि काळाचौकीमध्ये एस ए अमित गुप्ता यांचा संघ आपण पाहतोय, सिद्धेश भोसले यांचा संघ आपण मैदानात पाहतोय, तर दुसऱ्या बाजूला अमन इलेव्हन विरार यांच्यामधील लढत पाहतोय. दोन ताज्या दमाचे संघ त्यांच्यामधील अंतिम फेरीत जाण्यासाठीची लढत. विजयासाठी 17 धावांची आवश्यकता, 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. एका बाजूला विरार, दुसऱ्या बाजूला काळाचौकी. कोण जाणार अंतिम फेरीमध्ये पंतनगर घाटकोपरच्या या स्पर्धेमध्ये? रबर बॉल पावसाळी क्रिकेटच्या हंगामातील शेवटची मोठी स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे गतवर्षीप्रमाणे पाहिलं गेलं, याही वर्षी अतिशय भव्य दिव्य प्रमाणातील पावसाळी क्रिकेटमधील आयोजन. काय करायची आहे? अंधार बॅड लाईटचा अपील चालणार नाही आहे. दोन्ही संघांसाठी सूचना आहे. रवी विश्वकर्मा ज्याने एक लांबच लांबवरचा षटकार मारलाय, स्ट्राईकवर आपल्या संघाचं भवितव्य येणाऱ्या 6 चेंडूवर निर्धारित होईल. आदित्य थोडासा दूरवर टाकला गेलेला चेंडू, उसळे घेतलेला हा चेंडू, टोलवण्याचा प्रयत्न झाला परंतु बॅटच्या पट्ट्यात येऊ शकला नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता, 5 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. अंतिम फेरीत दाखल होणार कोण त्यासाठीची लढत मैदानाच्या आतमध्ये. कोलवट टप्प्याचा चेंडू समोरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, चांगला फटका परंतु कैवल्य, आजचा दिवस कैवल्यने क्षेत्ररक्षणात गाजवलाय. आज 4 झेल पकडलेत आणि बाद होऊन माघारी परतावं लागेल रवीला. ओ बिग हिट या ठिकाणी केला जातोय, अकूट टप्प्याचा चेंडू, त्यावर जोरदार प्रहार, षटकार. ओ आणखीन एक मोठा फटका, क्या बात है, लाजवाब फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतोय सागर रणपिशेच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक, याला क्रिकेट म्हणतात. तर क्षणात होत्याचं नव्हतं होणं म्हणजे क्रिकेट, क्षणात पारडं बदलणं म्हणजे क्रिकेट, आणि तेच क्रिकेट पुन्हा एकदा रंग बदलत आहे. विरार आणि काळाचौकी यांच्यामधील जबरदस्त रंगलेला सामना, जे प्रेक्षक बसले होते ते आता उठलेले आहेत. तर अशा प्रकारचा सामना मैदानात होताना पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. तर काही करायची आहे, अंधार पडण्याच्या आत मॅच संपणं गरजेचं आहे. पंच ताकीद द्या, चला बॉलिंग. 2 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता, अजूनही सामना दोलायमान आहे. 2 चेंडू, 5 धावा, 5 धावा, 2 चेंडू, विरार की काळाचौकी, काळाचौकी की विरार. पंतनगर घाटकोपरची स्पर्धा रंगात आली आहे. सागर रणपिशे की आदित्य, आदित्य की सागर रणपिशे. ज्या सागर रणपिशेने या वर्षीच्या हंगामात खूप चांगली कामगिरी केली आहे, आज या सामन्याचा शेवट कशा प्रकारे करतोय पाहायचंय. 2 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता.
या चेंडूवर जर पाहिलं पिचिंग झाली तर नंतर चेंडूने वळण घेतलं आणि सामना शेवटच्या चेंडूवर जाऊन पोहोचलाय. कंपल्सरी चेस असणार आहे म्हणजे षटकाराची आवश्यकता आहे. तर पाहूया इतिहास घडवला जातोय का. या मैदानात असे असंख्य इतिहास घडलेले आहेत याही अगोदर. तर पाहूया आज इतिहास सागर रनपिशे घडवतोय का. सामना कुठे जातोय. शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेला सामना. प्रेक्षक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी हा सामना पाहण्यासाठी उपस्थित झाले. त्यांचं हार्दिक स्वागत पंतनगर चषकामध्ये. आणि प्रेक्षकांनो सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या दोन्ही संघांसाठी. व्हायला हरकत नाहीयेत. जबरदस्त कामगिरी दोन्ही संघ करतायत आणि अजूनही अनुत्तरित आहे सामना. सामना वेस्टर्न रेल्वेने विरारला जाणार की हार्बर रेल्वेने काळ्या चौकीला जाणार. तर पाहूयात कुठे जाणार. सेंट्रलवर स्पर्धा सुरू आहे अर्थातच घाटकोपरला. एक चेंडू आणि पाच धावांची आवश्यकता. आदित्य की सागर रनपिसे. या चेंडूवर रिपीट होतोय. एक जबरदस्त सामना या ठिकाणी पार पडला गेला परंतु एका जबरदस्त म्हणजे अटीतडीच्या लढतीत काळा चौकी पराभूत झालीय. परंतु अमन इलेव्हन विरार संघासाठी एक वेगळा संघ इतिहास घडवला घाटकोपर पंतनगर मध्ये. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्या बात आहे.